नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। अभी हम कह रहे थे अलग अलग उपग्रह लॉन्च करने का मामला। एक जमाना था भारत के उपग्रह और कोई लॉन्च करता था, आज हम केवल अपने उपग्रह लॉन्च नहीं कर रहे, दुनिया के कई देशों को उनके उपग्रह लॉन्च करने का चमत्कार हो रहा है, तो भारत की धरती से हो रहा है। तो हमारा सोच कोई आज से नहीं, हमारा सोच बरसों से वैज्ञानिक है। मैं जो बच्चे आए उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि विज्ञान को टेक्नोलॉजी की जननी माना जाता है, लेकिन विज्ञान की भी जननी अगर कोई है तो वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अब मैं उदाहरण आपको देता हूँ, सच में तो बच्चों को कितनी जिज्ञासा होती है। ये जिज्ञासा ही हमको खोज के लिए, इसके पीछे साइंटिफिक सोच क्या है, कारण क्या है, वो सिखाने के लिए प्रेरणा देती है। और फिर बड़े बड़े इनोवेशन हो जाते हैं, अनुसंधान हो जाते हैं, कई छुपे हुए सत्य सामने आ जाते हैं। ये जिज्ञासा थी जिसने न्यूटन को रुकने नहीं दिया और अंततः न्यूटन ने सोच खोज के निकाल दिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की ताकत होती है, शक्ति होती है, इसलिए ऊपर से चीज नीचे गिरती है। ये जिज्ञासा, ये जिज्ञासा जरूरी है। और इसलिए अलग अलग रसायनों को मिला के कोई नया रसायन बना देना, ये जिज्ञासा का परिणाम। देखो इसमें मिला के ये, देखो इसमें मिला के ये। चांद में हम तो पहले बचपन में कहते थे एक बुढ़िया बैठ के सूत काट रही है, लेकिन ये जिज्ञासा थी कि चलो देखो चांद पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे। ये जिज्ञासा है जो हमसे काम करवाती है। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी बात कही थी, मैं विशेषकर बच्चों से कहना चाहूँगा, हमारा सारा ज्ञान और हमारी सारी योग्यताएं जिज्ञासा के बिना बेकार है, व्यर्थ है। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज में।